આજનું આ પ્રદર્શન આઈસીએસસી ગેલેરીમાં એસી સંતોષજીએ આયોજન કર્યું, ખરેખર તો આદરણીય આવકારી એટલા માટે છે કે ભારતભરના ચિત્રકારો અને વિદેશના પણ ચિત્રકારોનું કામ વૈવિધ્યપૂર્ણ એ જોવા મળે છે. ખૂબ જહેમતવાળું છે, ભેગું કરવું અને પ્રદર્શિત થાય, લોકો સમક્ષ મૂકવું. તો સંતોષજીમાં એ ધીરજ અને કાળજી દેખાય છે કે એણે બધા ચિત્રકારોને એકઠા કર્યા છે. અહીંયા ફિગરેટિવથી લઈને એબ્સ્ટ્રેક્શન, ક્યાંક કોલાર્જ, એકેડેમિક સ્ટડી અને બધું જ અહીંયા પ્રદર્શિત થાય. આ પ્રદર્શન જોવાનો લાભ એટલા માટે છે કે અમદાવાદના શહેરીજનો, કલાજનો અને વિદ્યાર્થીઓને તો ખાસ જોવા માટે અહીંયા આમંત્રણ પણ છે. સંતોષજીમાં બે ત્રણ વસ્તુ છે કે એ જયપુરના હોવા છતાં આખા ભારત ભ્રમણમાં એમને ખ્યાલ છે કયા કલાકારો કેવું કામ કરે છે, અને એમાંથી એમને પસંદગી કરીને આ પ્રદર્શન ટૂંક સમયમાં અહીંયા ગોઠવ્યું છે. અમારી શુભેચ્છા. जमाने में आज की सोसाइटी में आज के
बाजार में मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय संकट और बाजार तो संकट क्या है? संकट जो है वो सर्जना के ऊपर है और बाजार जो है वो सर्जना से परे है। जब भी बात आती है कि जैसे भी अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले कुछ बड़ा बड़ौदा के कलाकारों की कलाकृतियां करोड़ों में बिकी, तो हमेशा मेरा प्रश्न ये रहता है विकास जी कि उसमें कलाकार को कितने पैसे मिले? कुछ नहीं मिलता। ब्रांड मिलती है, रेपुटेशन मिलता है, क्योंकि वो जो करोड़ों में बिकने वाली जो पेंटिंग है वो पहले से ही किसी आर्ट गैलरी ने खरीद ली होती है। क्योंकि ये जो ऑप्शन का सिनारियो है उसके बारे में आज भी कितने भी बड़े आर्टिस्ट को आप पूछोगे तो उसे भी पता नहीं है कि ये कैसे ये ऑप्शन होता है, कैसे पेंटिंग बिकती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो मजमा है वो कॉरपोरेट का मजमा है, जहां पूरी तरह से आर्टिस्ट की पैंट नहीं है। हां, हालांकि गैलरीज जो है वो आर्टिस्ट को हायर करके उसके पास से जितना भी काम अपने पास कमीशन पे या कंसाइनमेंट पे रखकर उसके साथ डील करती है, लेकिन आज जो विकास जी ने एक नया रास्ता हमें खोल के दिया है उस पर हमें विचार करना चाहिए। जो आने वाले दिनों में कलाकारों के लिए एक भविष्य की नींव बनेगा। दरअसल हम ये मानते हैं कि जब भी कोई भी कलाकृति कलाकार करता है तो उसका सबसे पहला मकसद जो है, पहला मकसद वो निजानंद का होता है। अब जब निजानंद से परे होता है और दूसरा उसको सजेस्ट करता है तुम कब तक निजानंद में लीन रहोगे, अब 20-25 पेंटिंग इकट्ठी हो गई इसका कुछ करो, घर वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं, अब इसको कहां रखोगे, हमारे पास जगह नहीं है। तब उसको एकदम से याद आता है कि नहीं यार, इसकी एग्जीबिशन लगाई जाए, लेकिन आजकल एग्जीबिशन में भी बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी अच्छी गैलरीज नहीं है, अच्छे अभी जितना पहले जैसा इन 2-3 सालों में ये कोविड के कारण पहले जैसा माहौल नहीं है बाजार का। तो इस परिस्थिति में 2-3 चीजें जो हमें मदद कर सकते हैं, जैसे एमएसएमई वाला जो विकास जी ने हमें योजना बताई है उस पर हमें गौर करना चाहिए। वो इसलिए गौर करना चाहिए कि आफ्टर ऑल जब आर्टिस्टिक एंटरप्रेन्योर है तो आर्टिस्ट से पैदा होने वाली चीज प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने का जो भी जरिया हो वो कलाकार को एक सियार करता है। थिंक डिजाइनर आर्ट हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत हम सभी आर्टिस्ट को पूरे वर्ल्ड से एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं और आर्ट को एग्जीबिट करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैलरीज में। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये वात्सल्य नाम से हमने एग्जीबिट किया है, ये अहमदाबाद में ICAC गैलरी में, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से हमारे पास में 30 आर्टिस्ट आए हैं अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया के में तो है ही, उसके अलावा फ्रांस, इटली, USA और बहरीन और लिथुआनिया के आर्टिस्ट हमारे साथ में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट ने, फ्रांस के आर्टिस्ट ने तो हमें अपनी पेंटिंग भी यहाँ पे कुरियर भी करी जो हमने यहाँ पे हैंग करी है, और सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग फॉर्मेट पे काम किया है, किसी ने मंडाला आर्ट पे बनाया है, किसी ने ट्रेडिशनल आर्ट में अपना क्रिएटिविटी शो करी है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, डिजिटल आर्ट जो अभी बहुत चल रहा है ग्राफिक आर्ट और डिजिटल, उसमें काम जो हमारे पास में आया है वो अधिकतर बाहर से ही आया है, फॉरन से ही आया अधिकतर डिजिटल वर्क किया है। और ये जो काम है ये मेरा है थंका आर्ट का, जिसमें मैंने वात्सल्य थीम को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें माँ अपने बच्चे को ले रही है, यहाँ पे मैंने गणेश जी को
एक फास्ट रूप में दिखाया है, जो गणेश जी का जब शिव जी गर्दन काट देते हैं उस वक्त का ये रूप दिखाया गया है, जिसमें पार्वती माँ बड़ी थोड़ी सी नाराज सी रहती है शिव जी से, और उसमें थोड़ा सा गुस्सा भी है और थोड़ा सा स्नेह भी है बालक के प्रति, वो सब इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है।